मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपका चैप्टर चल रहा था बेटा विस्तार से, चैप्टर नंबर 5 शुड डिजायर बी मॉर्निंग, इसका पार्ट 2 आज आपके सामने है। अब तक जो आपने पढ़ा उसको एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक 4 साल की बच्ची है जिसका नाम जो है और उसके फादर हैं जिनका नाम जैक है। तो उस छोटी बच्ची को एक हैबिट पड़ चुकी है कि वो बिना स्टोरी सुने सोती नहीं है, यानी कि उसके फादर का एक रूटीन बन गया है कि जब वो अपनी बेटी को स्टोरी कोई कहानी सुना लेते हैं तभी उसको नींद आती है, जो कि फैमिली के अंदर 3-4 लोग हैं, एक जो एक उसका छोटा भाई है, एक उसकी मदर और उसके फादर। मोस्टली होता क्या है, जो के फादर जब भी जो को कोई स्टोरी सुनाते हैं उस स्टोरी के अंदर कॉमन नाम रोजर रहता है। रोजर नाम का करेक्टर जो है वो मोस्टली उस कहानी के अंदर पाया जाता है, चाहे तो वो किसी मछली की कहानी रही हो, चाहे वो किसी स्नेल की कहानी रही हो, यानी कि रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर स्कंक, रोजर चिंपक, रोजर नाम का कैरेक्टर उनकी कहानी में एवरी टाइम रहता है। और मोस्टली जो कहानी का एक सेंट्रल पॉइंट रहता है वो कहानियाँ एनिमल्स के ऊपर होती हैं और एनिमल्स किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं और फिर उन परेशानियों का जो हल मिलता है एक बूढ़े उल्लू के पास से मिलता है। बूढ़ा उल्लू उस एनिमल को किसी मैजिशियन के पास यानी कि एक विजार्ड के पास भेजता है, वहाँ जाकर के उसकी परेशानी हल होती है। अब जो कहानी इस चैप्टर के अंदर आपको बताई जा रही है उसके अंदर जो नाम का उस कहानी के अंदर रोजर स्कंक नाम का एक कैरेक्टर है जो एक कीड़ा है और उसके अंदर बदबू आती है और वो बदबू इतनी है कि कोई भी उसके पास रुकना नहीं चाहता, यानी कि रोजर स्कंक नाम का ये जो कीड़ा है ये जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है तो सारे दोस्त इससे दूर दूर भाग जाते हैं और वो बेचारा रोता हुआ रह जाता है। अब होता क्या है, रोजर स्कंक नाम का जो ये कैरेक्टर है, ये एनिमल है, ये रोता हुआ बूढ़े उल्लू के पास पहुंचता है और अपनी परेशानी बताता है कि मेरे सामने ये दिक्कत है कि मुझमें बदबू आती है। इस बात को वो उल्लू भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ तुम्हारे अंदर बड़ी भयंकर बदबू है, इस बात को आप अगर दूर करना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम दूर जंगल में एक जगह चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें मैजिशियन मिलेगा और वो मैजिशियन आपकी इस परेशानी को दूर कर देगा, लेकिन वो बदले में तुमसे कुछ पैसे लेगा। खैर, रोजर स्कंक नाम का जो क्रिएशन है, वो कीड़ा जो है वो उस जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर को भी वो अपनी परेशानी से अवगत कराता है, अपनी परेशानी बताता है और वो जादूगर उससे कहता है कि हाँ वाकई में तुमने तो बहुत बुरी स्मेल आती है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताइए कि तुम किस तरह की स्मेल अपने अंदर लाना चाहते हो। तो वो कहता है कि मेरे अंदर ऐसी खुशबू आ जाए जैसे कि गुलाबों की खुशबू होती है रोज़ की। अब वो मैजिशियन अपना जादू चलाता है और जादू चलाने के बाद उस कीड़े के अंदर वो गुलाबों जैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब वो जब चलने को होता है तो मैजिशियन उससे कहता है कि भाई मैं इस काम की फीस लूँगा, मुझे फीस दीजिए। अब वो मालूम करता है कि भाई आपकी फीस कितनी, वो कहता है कि मेरी जो फीस है वो 7 पेनीज है, लेकिन रोजर स्कंक के पास सिर्फ 4 पेनीज होती हैं, यानी कि उसके पास में 4 पैसे होते हैं, वो 7 पैसे मांगता है। अब क्या होता है, अब वही मैजिशियन उसको एक रास्ता बताता है कि भी तुम फला जगह पर जाइए, एक गली है पतली सी, उस गली में जाइए और चक्कर लगाइए, तुम हर चक्कर पर वहाँ पर एक मतलब एक पेनीज पाओगे, इसी तरीके से तुम्हारे पास में 7 पेनीज इकट्ठी हो जाएंगी, तब आकर आप उनको दे सकते हो। वो इसी तरह से करता है, वहाँ से पेनीज इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद वो उन पेनीज को उस मैजिशियन को दे देता है और
जब वो अपने घर पहुंचता है तो सारे जो साथी हैं उसके वो खुश हो जाते हैं कि नहीं इसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और सारे फ्रेंड्स उसके जमा हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। पेज नंबर 64। यस बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रोजा रिस्कन मॉमी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल व्हाट एंड रोजा रिस्कन सेड इट्स मी मॉमी आई स्मेल लाइक रोजेस एंड शी सेड हू मेड यू स्मेल लाइक दैट एंड He said the wizard and she said well of all the nun you come with me and we are going right back to that very awful wizard। हाँ क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही है, रोजा रिस्कन की मम्मी ने कहा। ये बहुत खुशबू क्या है क्या? और रोजा रिस्कन ने कहा मैं हूँ मम्मी, मुझ में गुलाब जैसी खुशबू आती है। और उसने कहा तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू किसने पैदा की? और उसने कहा जादूगर। और उसने कहा ठीक है पूरी शक्ति से तुम मेरे साथ आओ और हम वापस उसी भयानक जादूगर के पास जा रहे हैं। यानी कि उसकी जो मॉम है रोजा रिस्कन की, वो उस खुशबू से खुश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो उसकी बेसिक पहचान थी वो खो चुकी थी, और उसकी मदर नहीं चाहती थी तो उनकी पहचान खो। आगे देखिए। जो सेटर हर हैंड्स डेवलिंग इन द एयर विद जेनिन फ्राइट बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। जो बैठ गई उसके हाथ वास्तविक में भय में घूमते हुए, लेकिन डैडी फिर उसने उससे दूर भागे हुए जानवरों के बारे में कहा और उसके हाथ घुस गए छोटी झाड़ियों में। ऑल राइट ही सेड बट मॉमी All the other little animals run away and she said, I don't care, you smelled the way a little skunk should have and I'm going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Rosa Skunk and hit that wizard right over the head. ठीक है उसने कहा, लेकिन मम्मी सभी दूसरे छोटे जानवर दूर भाग गए और उसने कहा मुझे परवाह नहीं, तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू आती है जैसी कि एक छोटे स्कंक में आनी चाहिए, और मैं तुम्हें अभी उसी जादूगर के पास ले जा रही हूँ। और उसने एक छतरी ली और रोजा स्कंक के साथ वापस चल पड़ी और उस छतरी को जादूगर के सीधा सिर पर मारा। नो जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स येट इवन इन हर agitation did not quite dare to stop the source of truth inspiration into her then the wizard hit her on her head and did not change that little skunk back no he said the wizard said okay the rose skunk did not smell of roses anymore he smelled very bad again but the little mmm नहीं जो ने कहा मैं अपना हाथ उसके होंठों पर रखने के लिए निकाला और उसकी उत्तेजना में भी सच्चाई के स्रोत को रोकने का साहस नहीं कर सकी। प्रेरणा उसमें आ गई थी, फिर जादूगर ने उसके सिर पर मारा और उस छोटी स्कंक का बदला नहीं उसने कहा। जादूगर ने ओके कहा और रोजर स्कंक गुलाबों की खुशबू नहीं दे रहा था, वो दोबारा से पूरी खुशबू दे रहा था। बट द अदर लिटिल एमम ओ एमम परंतु उसे छोटे जानवर ओ जानवर। जॉनी इट्स डैडीज स्टोरी शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज हर बोल्ड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टोन नॉटेड दिस इज व्हाट हैपेंड देन रोजा रिस्कन एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हियर्ड हू And it was the choo-choo train bringing Daddy Skunk home from Boston and they had lima beans, pork chops, surly liver, mashed potatoes and pie. Oh my poor dear dessert. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby Skunk again. And she loved him very much and that's the end of the story. But Daddy,
नहीं, जो ने कहा और अपना हाथ उसके दोनों होठों पर रखने के लिए निकाला पर उसकी उत्तेजना में भी सच्चाई के स्रोत को रोकने का साहस नहीं कर सकी, प्रेरणा उसमें आ गई थी। फिर जादूगर ने उसके सिर पर मारा और एक छोटी स्तंभ का बदला नहीं, उसने कहा। जादूगर ने ओके कहा और रोजा स्तंभ का गुलाबों की खुशबू नहीं दे रहा था, वो दोबारा से बुरी खुशबू दे रहा था। यानी कि जादूगर ने उसको वापस से पहले जैसे बना दिया था, अब जो उसके अंदर खुशबू पहले आ रही थी गुलाबों वाली वो खत्म हो गई थी, क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसने जादूगर के सर में छतरी मारी थी कि मेरे बच्चे को जैसा था ऐसा ही बना दे। लेकिन दूसरे छोटे जानवर को जानवर जॉनी, ये डैडी की कहानी है, क्या डैडी तुम्हें अब और कहानियाँ नहीं सुनाएंगे? उसके चौड़े चेहरे ने उसकी तरफ घूमा, देखा भूमि हुई लाइट अंदर से भयभीत होकर यही है जो घटित हुआ। तब रोजर स्तंभ और उसकी मम्मी तब घर चल पड़े और उन्हें सुनाई दिया वो, और डैडी स्तंभ को बोस्टन के घर ले जाने वाली छू छू ट्रेन की आवाज़ थी और उसके पास लंबू गोल से मांस के टुकड़े, सैलरी, एक हरी सब्जी, लीवर, फेंटे हुए आलू और अंत में खाने के लिए कचौड़ी। और जब रोजर स्तंभ सो गया, मम्मी स्तंभ आई और उससे लिपट गई और कहा कि उसमें उसके छोटे स्तंभ जैसी खुशबू आ रही है फिर से, और वो उसको पसंद करती थी और यही कहानी का अंत था। यानी कि रोजर स्तंभ जैसा था ऐसा ही हो गया और उसकी मदर उसको वापस से उसको कराने में कामयाब हुई। वॉट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल व्हाट्स एवर शाइनिंग इन अ लिटिल वाइल दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी इट वॉज नॉट ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर और समथिंग एज ऑड। Now I want to you put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tip-top to the door in the pretense that she was already asleep. But when he turned, she was crunching on top of the covers and staring at him. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby said, क्या कबूतर से छोटे जानवर ही भागे? नहीं, क्योंकि आखिर वो जैसा है वैसा था और आदि हो गए थे और इनकी बदबू भी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। यानी कि जो उसके फ्रेंड्स थे वो क्या बन गए थे? हैबिचुअल बन गए थे रोजर स्तंभ के साथ। अगर स्मेल आती थी तो वो एक नेचुरल मसला था, यानी कि कुदरत की तरफ से था, तो उन्होंने अपने आप को, उसके दोस्तों ने इस बात को अपने आप में डाल लिया था, यानी कि वो उसको एक्सेप्ट कर चुके थे बकुल उसकी जो अजीब सी स्मेल थी उसी के साथ। थोड़ी देर में वो एक मूर्ख मम्मी थी, नहीं थी, उससे एक दबाव देकर कहा, विश्वास किया अपनी अभिव्यक्ति के जरिए कि उसको एहसास हो गया था कि वो उसकी खुद की माँ का ही अपने प्रति बचाव कर रही थी या कुछ अजीब। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना भारी से तकिए पर टिका लो और एक अच्छी लंबी नींद लो। उसने छाया को इस तरह से समायोजित किया कि दिन की थोड़ी सी भी धूप दिखाई न दे और दरवाजे का खुलवा सरका दिया, इस बहाने से कि वो पहले से सो चुकी थी। परंतु वो जो ही उड़ा वो आवरण को दुखी हुई थी और उसकी तरफ देखा, ये आवरण के नीचे जाओ और गहरी नींद सो जाओ, और बेबी सो गया। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड gingerly on the springs. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that blood of that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. No, that's not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. Now, tomorrow you say he hit the mommy. Do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained I springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not say it. Daddy, well, we will see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. वो खड़ी हो गई और कोमलता से कुछ ली स्त्रीकों की तरह। डैडी, क्या
कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहानी सुनाओ और जादूगर से वो जादुई छड़ी ली और उस मम्मी को मारी। उसके मोटे हाथ अलग हुए ठीक उसके सिर के ऊपर से। नहीं, ये कहानी नहीं है। पॉइंट ये है कि छोटा स्तन उसकी मम्मी को प्यार करता था और उसके छोटे जानवर के बजाय, और वो जानती थी कि वो सही क्या था। नहीं, कल तुम कहना कि उसने मम्मी को मारा, यही करना। उसने अपनी टांगें ऊपर उठाई और बेड पर बैठ गई और एक गहरी सांस के साथ ही स्प्रिंगों की शिकायत की, जैसा कि उसने पहले सैकड़ों बार किया था। बस इस बार वो हंसी नहीं। ये कहा, डैडी ठीक है हम देखेंगे, अब कम से कम थोड़ा आराम कर लो, बेड पर ही रहो, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। क्लेयर हैड स्क्रीप्ड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक वॉज स्टॉकिंग द चेयर रेल विद अ डिप ब्रश अबाउट हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी शेल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू द फुट स्टेप हेजिटेटेड। That was a long story, Claire said. The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor the woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them was half pulled, torn, and half new ivory, and he felt caught in a ugly middle position, and though he has well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. उसने दरवाजा बंद कर दिया और नीचे चला गया। क्लेयर ने एक अखबार फैला रखा था और पेंट का कैन खोला और एक पुरानी शर्ट पहने हुए कुर्सी की रेल पर पुरुष से पेंट कर रही थी। उसके ऊपर कदमों का कंपन हुआ और उसने पुकारा, जॉनी क्या मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें थप्पड़ मारूँ? कदमों ने संकोच किया। ये एक लंबी कहानी थी, क्लेयर ने कहा। बेचारी बच्ची, उसने उत्तर दिया, और बेहद थकावट के साथ अपनी पत्नी की मेहनत करते हुए देखा। लकड़ी का काम, सांचों का एक पिंजरा और रेल, और उसके चारों तरफ बेसबोर्ड, आधा पुराने चमड़े का और आधा नई हाथी दांत का था। और उसने बीच में बेस की स्थिति में बसा वो महसूस किया, और यद्यपि उसने पिंजरे में अपने साथ अपनी पत्नी की उपस्थिति को महसूस किया, मैं उसके साथ बात करना नहीं चाहता था, काम नहीं करना चाहता था, छूना नहीं चाहता था और कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो ये चैप्टर बेटा यहीं फिनिश होता है। एक्चुअल में इस स्टोरी के अंदर आपने दो पार्ट को फाइंड आउट किया है, एक जैक की फैमिली की स्टोरी चल रही है कि जो उसकी वाइफ है वो वाइट वॉश के काम में बिजी है, और जैक अपनी बेटी को सुनाने में बिजी है स्टोरी सुनाकर। कहानी का जो एंड होता है वो इस बात से होता है कि जैक एक तरह से अपनी फैमिली के अंदर जो भी काम होते हैं, लेबर वर्क, उनसे बचना चाहता है, उसकी पत्नी नाराज़ है। तो आपको कहानी के दूसरे विजन पर फोकस कम करना है, और जो कहानी के अंदर स्टोरी, इस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी चली है रोजर स्कल्प की, उस पर आपको फोकस ज़्यादा रखना है। तो ये चैप्टर बेटा यही फिनिश होता है। मैं इसके आपको वैल्यू पॉइंट सेंड करूंगा आज, और इसका रिटेन वर्क भी सेंड करूंगा। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।